हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर जो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट वन लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, इंटीग्रल जो कि दो फर्दर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल, एंड देन आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल की क्या एप्लीकेशन है हमारी जनरल लाइफ में क्या है, या मैथमेटिक्स में, या के फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे, एंड फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब टॉपिक हम यहाँ पे कैलकुलस के पूरे ब्रांच के अंदर आते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या है। तो बेसिकली कंटिन्यूटी से मीनिंग क्या है, कंटिन्यूटी इफ इन मैथमेटिक्स इफ वी कैन स्केच द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन then the function is said to be a continuous function। यहाँ पे ये जो ग्राफ है, अगर आप देखें ये ग्राफ x equal to a point से स्टार्ट हुआ और ये चलता हुआ x equal to b पे जाके खत्म हो जाता है। आप देखेंगे कि इस पूरे ग्राफ के अंदर कहीं पे भी कोई भी ब्रेक नहीं है, विदाउट एनी ब्रेक, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ए कंटिन्यूस फंक्शन। अगर आप देखें, अगर मैं स्केच करना चाहूं एक दूसरा ग्राफ, तो आप इस पे ये यहां पे देखिए, अगर मैं स्केच करता हूं एक ग्राफ ये लाइक दैट, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ब्रेक हो गया, यहां से स्टार्ट होने के बाद एक्स इज इक्वल टू ए से स्टार्ट होके एक्स इज इक्वल टू बी तक जाने में यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस नहीं है। सपोज करो, लेट कर लो कि ये पॉइंट आपका कोई पॉइंट सी है, तो सी पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो कंटिन्यूटी यही कहती है कि जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो विदाउट लिफ्टिंग हमें हम ड्रॉ कर सके तो देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या पूरे उस इंटरवल के अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी पर्टिकुलर जो पॉइंट पे होती है वो यही है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट ए इफ लिमिट लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स वैल्यू ऑफ द लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज कंटिन्यूटी ऐसे ब्रेक हो जाती है। अगर ये कंटिन्यूटी ब्रेक का आपका एग्जाम्पल है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअसली एक ब्रेक आ गया है, एंड दिस वन इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, सो इसमें पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। इसलिए इन सेकंड ग्राफ द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = a। एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो एक फंक्शन fx is equal to x square है, and हमें उसकी continuity discuss करनी है at x is equal to 2 पे। तो first of all, सबसे पहले हम उसकी limit discuss करेंगे, limit निकालेंगे उस particular point पे। तो limit extend to 2 fx is equal to x की value 2, इसमें function की value put कर देंगे यहाँ से, x square limit extend to 2 x square, and then इसमें इसकी limit put कर देंगे, तो 2 का square is equal to 4। ये आपकी limit की value आ गई, और फिर हम फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन है fx = x square, put x = 2, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। सिंस लिमिट एक्सटेंड टू 2 fx, वैल्यू
of the function at x is equal to 2, both are equal, that is 4. Therefore, we can say fx is said to be a continuous function. Now, a function, koi bhi function hai, fx will not be continuous at x is equal to a for any of the following region. Koi bhi function hai, ये पर्टिकुलर कुछ रीजन है कि जब हम ये कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस नहीं हुआ, क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, और लिमिट एग्जिस्ट करती हो बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, तब भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो तब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, या फिर फंक्शन ही डिफाइंड ना हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मीन्स फंक्शन का जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पर फंक्शन का डिफाइन होना बहुत जरूरी है। अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तब भी वो कंटिन्यूस नहीं होगा, अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, और फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है बट वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। दैट्स व्हाई इसीलिए हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन at particular point should be equal value of the function, then the function will be continuous. So students, अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं और फुल कंसेप्ट को पूरा समझना चाहते हैं तो आप हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस जो कि हमारे मोबाइल ऐप प्रेजुकेट पे अवेलेबल है, जिसको कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।